हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं ग्वार की फली की रेसिपी, जिसे हम क्लस्टर बीन्स कहते हैं। काफ़ी टेस्टी हमारी ये सब्जी बनकर तैयार होती है, तो देखते हैं यह किस तरीके से बनाई जाती है। मैंने यहाँ पे ये 500 ग्राम बीन्स ली हैं, इनको हमें बॉईल करना है। आप चाहें तो इनको ऐसे भी काट कर बना सकते हैं, लेकिन आज मैं इनको बॉईल कर बना रही हूँ। तो मैंने एक भगोने में पानी ले लिया है, जिसे हमने गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर हम ये बीन्स डाल देंगे और लगभग 10 मिनट तक हम इसे पका लेंगे, जिससे जो बीन्स हैं काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। इनको आप चाहें तो कुकर में बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो जो टेस्ट है ना, काफ़ी मसी मसी सा लगता है, तो मैं इस तरीके से भगोने में इनको अच्छे से कुक करूँगी। एक से दो बार चम्मच से हम इनको उलट पलट देंगे, जिससे यह सभी तरफ से अच्छे से पक जाएंगी। एक साल पककर तैयार होंगी, तो मैं इनको पहले ढक दूंगी और लगभग 10 मिनट तक हम इनको पकाएंगे, लेकिन हमें इन्हें बीच में एक से दो बार उलट पलट देना है। 10 मिनट हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं जो फली हैं उनका कलर चेंज हो गया है। ये अच्छे से पक चुकी हैं, इनको अब हम छान लेंगे और जो इसका पानी है उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे और इनको प्रॉपर तरीके से हम ठंडा होने देते हैं। तो जब फली ठंडी हो जाएंगी, तो मैं आगे का प्रोसीजर तब आपको दिखाती हूँ। तो जो फली हैं अच्छे से ठंडी हो गई हैं, अब इनको हमें कट कैसे करना है। जो ऊपर का पार्ट है उसे हम ऊपर से कट करते हुए नीचे की तरफ लेकर आएंगे, और जो नीचे का पार्ट है उसे भी हम कट करते हुए नीचे की तरफ लेके आएंगे। जो इसके धागे हैं ना, उसे हमें अच्छे से रिमूव कर देना है। देखिए, जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस तरीके से हम इसके धागे कट करेंगे और बीच में से हम इसे दो भागों में डिवाइड कर देंगे। देखिए, इस तरीके से ऊपर से हमें नीचे की तरफ धागे को खींचते हुए साफ करना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जो धागे हैं इन्हें हमें अच्छी तरीके से रिमूव करना है, अगर ये मुंह में आएंगे तो जो टेस्ट है सब्जी का वह ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से सारी फली को हम साफ कर देंगे। बॉईल होने के बाद जो ये फली है ना, अच्छे से क्लीन हो जाती है, मतलब अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। इस तरीके से मैंने सारी फली को साफ़ कर लिया है, और देखिए जो इसके धागे हैं, कितने सारे धागे हमने इसमें से निकाल हैं। इसलिए आप जब भी फली बनाएं, इस तरीके से अच्छे से साफ करके बनाएं, नहीं तो जो सब्जी का टेस्ट है वह ख़राब हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं 2 बड़े चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल डाल दूँगी। मुझे बेसिकली जो सूखी सब्जियाँ हैं ना, वह मुझे सरसों के तेल में काफ़ी पसंद आती हैं। आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं। और जो तेल है अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं इसमें 2 बड़े साइज़ के ये आलू डाल दूंगी, जिनको मैंने फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में काट लिया है। जैसे हमने फली को काटा है ना, बस उसी तरीके से हम इस शेप में आलू को भी काट लेंगे। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, बस जो सब्जी है देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि जो आलू और बीन्स हैं बिल्कुल एक साथ कटे हुए रहेंगे। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ढक देंगे और 2 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, एक बार आलू को चेक कर लेते हैं। और आलू का जो प्रोसीजर है कुकिंग, वह जल्दी से हो जाएगा, तो मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच नमक। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आलूओं को हमें 50% तक कुक करना है, प्रॉपर तरीके से हम इनको कुक नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इसके अंदर बीन्स डालेंगे आलूओं को, उस समय भी हमें कुक करना है। इसको हम फिर से ढक देंगे, लगभग 2 से 3 मिनट तक आलूओं को हमें फिर से कुक करना है। लगभग 3 मिनट हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं जो आलू हैं अच्छे से कुक हो गए हैं। इससे ज़्यादा कुक हमें इनको नहीं करना है। अब आप या तो आलू को अलग से प्लेट में निकाल लीजिए और उसके बाद जो प्रोसीजर है आगे का ऐसे कर सकते हैं, या आप मेरी तरह से कर सकते हैं, आलूओं को थोड़ा सा साइड से कर दीजिए और जो ऑयल है उसमें आप 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच अजवाइन और थोड़ी सी हींग डाल दीजिएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इस तरीके से भी सब्जी को बनाइए, यकीन मानिए काफ़ी बढ़िया हमारी सब्जी बनकर तैयार होती है। अब मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप अगर गार्लिक नहीं खाते तो आप इस समय गार्लिक को स्किप भी कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आलूओं को और गार्लिक को सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब मैंने यहाँ पे 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिसको हमने स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज को भी हम कढ़ाई में डाल देंगे, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज को हमें प्रॉपर तरीके से नहीं भूनना है, बस जो इसका क्रंच है वह बरकरार रहना चाहिए। बस 1 मिनट तक हम आलूओं के साथ अच्छे से इसे भून लेंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से हमें इसे नहीं भूनना है। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं
और अब मैं इसमें डाल दूंगी 3 हरी मिर्च जिसको मैंने बीच में से सिलेक्ट कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले जो घर के बेसिक मसाले हैं हम उसका यूज़ करेंगे। तो मैंने इसमें आधा चम्मच ही हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल रहे हैं और 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे जो हमारी सब्जी है उसका कलर काफ़ी अच्छा आएगा। आप चाहें तो हरी मिर्च को स्किप कर आप इसमें तीखी लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसमें तीखी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, केवल हरी मिर्च मैंने इसमें डाली है और कलर के लिए मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है। मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये बॉयल की हुई बीन्स जिसको हमें बड़े पीसेज में कट किया है। छोटे पीसेज में मैंने आज इसको कट नहीं किया है, वह काफ़ी मसी मसील हो जाती है, इसलिए मैंने इनको बड़े पीसेज में कट किया है। आलूओं के हिसाब से नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, अब मैं इसमें आधा चम्मच नमक और डाल दूंगी क्योंकि हमने इसमें बीन्स डाली है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सब्जी का कलर देखिए कितनी बढ़िया हमारी सब्जी बनकर तैयार होती है। अगर आपने इस रेसिपी से ये सब्जी बनाई ना तो बच्चे भी इसको काफ़ी पसंद करने लगेंगे। 2 रोटी की जगह आप 4 रोटी खाना पसंद करेंगे क्योंकि बनती ही इतनी टेस्टी है। इसे हमें अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है और काफ़ी टेस्टी डिफरेंट सब्जी है, आप इसे एक बार जरूर बनाइएगा। अब हम इसे ढक देंगे, 4 से 5 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। 5 मिनट हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं जो सब्जी है अच्छे से कुक हो चुकी है और ज़्यादा मसी नहीं बनी है, एकदम खिली खिली सब्जी हमने बनाकर तैयार की है। सबसे लास्ट में हम डाल देंगे यहाँ पे 1 बड़े साइज का मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। आप चाहें तो टमाटर को स्किप कर सकते हैं, आप इसमें आमचूर पाउडर और गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे जो टमाटर का फ्लेवर है ना इस तरीके से वह काफ़ी पसंद आता है। तो जब सब्जी बन जाती है मैं उसके बाद इस तरीके से प्याज और टमाटर डालना पसंद करती हूँ। तो टमाटर को हमने खुला 2 मिनट तक और पका लिया है और आप देखिए जो सब्जी है वह बनकर तैयार है। मैंने इसमें आमचूर पाउडर का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैंने इसमें टमाटर का यूज़ किया है और सब्जी हमारी बनकर तैयार है। गर्मा गर्म इस सब्जी को हम सर्व करेंगे। लुकिंग देखिए कितनी डिलीशियस हमारी सब्जी बनी है, एकदम खिली खिली सब्जी बनकर तैयार हुई है जो सभी को काफ़ी पसंद आएगी। तो मेरी रेसिपी से आप ये सब्जी बनाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मुझे आपके लिए कौन सी रेसिपी बनानी है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए जिससे मेरी रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलिए।